आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचडी स्मार्टकास्ट। आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सेक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ हो, हाइजीन टिप्स हो, रिलेशनशिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या। तो आइए लेट्स टॉक खुलकर। देखिए, बच्चा पैदा करने के लिए माँ और पिता दोनों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो दोनों का चाहिए ना। बावजूद इसके ज्यादातर सलाहें माँ के हिस्से ही आती हैं, ऐसा करो वैसा नहीं, ये खाओ वो नहीं, लेकिन पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बात होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। तो चलिए आज बात करते हैं उन बातों के बारे में जिसका ध्यान एक पिता बनने वाले शख्स को रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एक बच्चे के पैदा होने में पिता का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। स्पर्म्स यानी शुक्राणु टेस्टिकल्स में ट्यूब जैसी एक प्रणाली के भीतर विकसित होते हैं। इन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। जन्म के समय इन नलिकाओं में साधारण गोल कोशिकाएं होती है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन की वजह से ये शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाते हैं। कोशिकाएं तब तक विभाजित होती हैं और बदलती रहती हैं जब तक कि उनके पास एक सिर और छोटी पूंछ ना हो। इन्हें टेटपोल कहा जाता है। एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में एक सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म बनते हैं, लेकिन इन्हें मैच्योर होने के लिए कई हफ्तों का समय लग सकता है। शुक्राणु अपना विकास कार्य पूरा करने के लिए एपिडीडीमस में चले जाते हैं। एक स्पर्म को मैच्योर होने में तकरीबन 64 दिनों का समय लगता है। इसके बाद शुक्राणु स्पर्म डक्ट में चले जाते हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि सीमन में स्पर्म का हिस्सा महज 3-5% होता है। इसका सबसे बड़ा यानी 65-75% हिस्सा सेमिनल वेसिकल्स की ओर से बनाए गए लिक्विड का बना होता है। इस लिक्विड के दो काम होते हैं, पहला फीमेल की बॉडी में पहुंचने में स्पर्म की मदद करना और दूसरा स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करना। इस लिक्विड में ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि फीमेल की बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्हें बैक्टीरिया समझकर खत्म ना कर दे। वीर्य का 25-30% हिस्सा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। अखरोट के आकार का ये ग्लैंड यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद होता है। इससे निकलने वाला लिक्विड स्पर्म के लिए भोजन का काम करता है, साथ ही ये स्पर्म में मौजूद डीएनए को भी सुरक्षित रखता है। इसके बाद कुछ 3% हिस्सा आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, जिसे काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। मटर के दाने जैसा दिखने वाला ये ग्लैंड सीमन के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। अगर यूरेथ्रा में थोड़ा भी पेशाब बाकी रह गया हो तो ये उसकी वजह से होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि स्पर्म को बाहर निकलने में कोई परेशानी ना हो। इजैकुलेशन के समय तकरीबन 10 करोड़ स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी के लिए चाहिए केवल एक स्पर्म। बावजूद इसके ये दुनिया की सबसे मुश्किल रेस है। ऐसा क्यों? इन करोड़ों स्पर्म्स में से केवल 200 स्पर्म्स ही एम्ब्रियो यानी अंडे तक पहुंच पाते हैं और केवल एक इस एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर पाता है। तो देखा आपने, एक बच्चे के लिए पिता की भूमिका कितनी अहम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पिता भी माँ की ही तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखे और इन बातों पर जरूर गौर करे। आम धारणा है कि जितनी बार सेक्स करेंगे प्रेगनेंसी के चांस उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो सेक्स के बीच में ब्रेक लेना एक अच्छा आइडिया है। अगर आप फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करते तो एपिडीडीमस को फिर से भरने, ज्यादा और क्वालिटी स्पर्म बनाने के लिए समय मिलता है। सेक्स करने का सबसे अच्छा समय है जब अंडा ओवरी से बाहर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। इसे ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है और ये बात मास्टरबेशन पर भी लागू होती है। अगर आप सेक्स या फिर मास्टरबेशन के बीच 3-5 दिनों का गैप रखते हैं तो इजैकुलेशन के टाइम मैक्सिमम स्पर्म और ज्यादा सीमन को इजैकुलेट करते हैं, जो प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। स्पर्म्स की सेहत का ख्याल रखने के लिए 5 टिप्स। सबसे पहला है सही खानपान। वैसे तो सही खानपान आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं, जैसे जिंक। एक्सपर्ट्स की माने तो जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है और स्पर्म काउंट में भी गिरावट की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने खाने में जिंक को जरूर शामिल करें। दूसरा,
शराब का सेवन। शराब के ज्यादा सेवन से शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन पर बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ इससे आपकी सेक्स की क्षमता भी कम होती है और इसका असर स्पर्म क्वालिटी पर भी पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि शराब का सेवन बेहद कम कर दिया जाए, और अगर आप इसे बंद कर दें तो और भी अच्छा। तीसरा है सिगरेट से दूरी। सिगरेट न केवल स्पर्म की संख्या कम करती है, बल्कि उनकी बनावट और गतिशीलता पर भी बुरा असर डालती है। इसमें मौजूद निकोटीन टेस्टिकल्स का साइज और उनके वजन को कम कर सकता है। रिसर्चेस की माने तो सिगरेट पीने वाले शख्स के पिता बनने की संभावना लगभग 23% कम हो जाती है। ऐसे में सिगरेट का सेवन कम करना आपकी मदद नहीं करेगा, आपको इस पर पूरी तरीके से लगाम लगानी होगी। चौथा है नियमित रूप से कसरत करना। नियमित कसरत करना आपके स्पर्म की संख्या और सेहत दोनों बढ़ाने में मददगार है। पुरुषों के ग्रुप पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक 6 ही महीने में एक्सरसाइज करने के बाद उनकी स्पर्म की संख्या में 21.8, गतिशीलता में 12.4 और वीर्य में 8.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। और एक जरूरी बात, क्योंकि एक स्पर्म को पूरी तरीके से विकसित होने के लिए 64 दिनों का समय लगता है, ऐसे में आप अपनी दिनचर्या में जो भी बदलाव कर रहे हैं उसका असर दिखने में कम से कम 64 दिनों का समय तो लगेगा ही। पांचवा और सबसे जरूरी, जितनी जल्दी हो सके फैमिली प्लानिंग शुरू कर दीजिए। बढ़ती उम्र का आपके स्पर्म की गुणवत्ता और उनकी संख्या दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में फैमिली प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू कर दी जाए, प्रेगनेंसी में उतनी ही कम दिक्कतें आएंगी। एक्सपर्ट्स की माने तो स्पर्म और एग दोनों की गुणवत्ता 30 के बाद लगातार घटने लगती है। अगर आप फिलहाल बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसे में स्पर्म या फिर एम्ब्रियो को फ्रीज कराना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, ये सही है कि एक बच्चे को पैदा करने के लिए माँ और पिता की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन अक्सर माँ की जिम्मेदारियों का पलड़ा जरा भारी रहता है। तो बहुत जरूरी है कि पार्टनर इस बात को अच्छी तरीके से समझे। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ट्विटर पर। हमारा हैंडल है @HTSmartcast। साथ ही ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए आप लॉगिन करें www.htsmartcast.com पर। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।